हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का 1 kg का केक है। पहले मैं इसको 3 लेयर कट करी हूँ और शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। और ये बेस इतना सॉफ्ट रहता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं इसको जब कट करती हूँ और जब वहाँ से उठाती हूँ ना, मुझे डर ही लगा रहता है कि मेरा बेस टूट ही ना जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। ये मेरा रेडीमेड प्रीमिक्स है, मैं घर पर नहीं बनाती हूँ। बनाती हूँ लेकिन कस्टमर को देने के लिए या बाहर देने के लिए मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। आप लोग भी अगर कस्टमर को देना है तो रेडीमेड पे ही प्रीमिक्स यूज़ करिए, उससे टेस्ट कुछ अलग ही आता है। व्हिपिंग क्रीम में भी मैं गनाश डाली हूँ, ऊपर भी डाली हूँ। इसमें चोको चिप्स एक्स्ट्रा डाली हूँ, हर केक में मैं नहीं डाल के देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कम प्राइस में देती हूँ तो इतना सारा मैं डाल के नहीं दे सकती। और ये मेरा 1 kg से भी ज़्यादा रहता है, 1200 ग्राम 1100 ग्राम ऐसा मेरा रहता है केक। वैसे सबका ही मेरे ख्याल से इतना ही रहता होगा जो बेचते होंगे। और ये मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। आप लोग को जैसा पता है पाइपिंग बैग में भर के करने से इसकी आइसिंग बहुत जल्दी होती है। और ये केक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ऐसा डोम शेप में बना दूँ, क्योंकि हर केक मेरा गोल या एक आध में हार्ट बनाई हूँ, तो इसके लिए मैं इसमें सोची कुछ अलग करती हूँ, डोम से बना देती हूँ। तो ये OHP शीट रहता है ना, उससे आप करेंगे ना तो बहुत फट से वो शेप आ जाता है। नॉर्मल स्क्रेपर से आप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैं ऊपर गनाश छान के रख दी हूँ। और ये केक मैं अपनी बहन के लिए बना के दे रही हूँ। उसको तो बहन बोलती हूँ, लेकिन अगर बोलना होता वैसा ना तो मैं उसको अम्मा ही बोलती, क्योंकि मेरी अम्मी के बाद मेरी ज़िंदगी में उसी का रोल था। मेरी अम्मी मेरा हर काम छोटा बड़ा नहीं करके देती थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बहन हैं तो मैं सबसे लास्ट में थी। मेरी सारी बहनें बड़ी थीं, तो जो बचपन में रहता ना जो अम्मी लोग करते हैं वो ये सारे काम मेरी ये वाली सिस्टर करके देती थी मुझे। तो मेरे लिए इस बहन का रोल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और ये डिज़ाइन मैं घर के लिए ही है, जैसा कि आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मेरी बहन का है। मेरे दिमाग में तो डिज़ाइन पहले से ही उतनी नहीं रहती है, तो मैं सोची ला ऐसा कुछ बना दूं। तो जब ये डिज़ाइन खींच रही थी ना तो ये सारे लाइनिंग अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर मैं सोची ला इसमें शुगर बॉल डाल दूं, उससे शायद कुछ अच्छा हो जाए। फिर भी ये डिज़ाइन अच्छी नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद है ना मैंने ये सारे लाइनिंग ही कवर कर दी। आगे आप लोग देखेंगे मैं 2-3 रोज़ लगा दी हूँ। और उधर जो एक दो ये फ्लावर्स जो बना रही हूँ ना, मुझे अभी उतने अच्छे से आता नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं इसलिए बार बार ट्राई करती हूँ। और उम्मीद करूँगी कि ये डिज़ाइन आप लोग को बहुत नहीं लेकिन अच्छा ज़रूर लग जाए, क्योंकि कंटिन्यू मैं 3 वीडियो जो अपलोड करी हूँ आगे पीछे लगभग डिज़ाइन सेम ही है, क्योंकि मेरे कस्टमर का ऑर्डर भी उसी टाइप का रहता है। और मेरे कस्टमर जब फ़ोटो भेज देते हैं तो मुझे ईजी पड़ जाता है, और जब नहीं भेजते हैं ना तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कुछ अलग कलर का ट्राई करूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको पसंद ही ना आए। इसके लिए मैं ज़्यादा अलग नहीं बना पा रही हूँ। अगर मैं घर के लिए बनाऊँगी तो कुछ अलग ज़रूर बनाऊँगी। और ये ऊपर से चोको चिप्स डाल दी हूँ। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।